आम का अचार जो कि हमारी भारत की है शान, शुरू से दादी नानी के ज़माने से बनता आ रहा है आम का अचार, लेकिन आज के लोगों को, आज की जो जनरेशन है हमारी, उसको आम का अचार कैसे तरीके से बनाए, उसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही सक्सेस रहा है। उससे हम आज आपको बताएंगे कितने अच्छे तरीके से आप पुराने ज़माने के लोगों के तरीके से अचार बना पाएंगे, लेकिन एक एक स्टेप कैसे फॉलो करना है वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। उसी तरीके से आप बहुत ही बढ़िया आम का अचार बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं बहुत ही डिलीशियस आम का अचार, जो कि बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो, बहुत ही कम, यानी बिल्कुल ऊपर तक तराने की जरूरत नहीं है। सूखा आम का अचार हमारा एकदम से, जो कि सालों साल चलेगा, खराब नहीं होगा। एक एक विधि के साथ देखेंगे तो कभी भी अचार खराब नहीं होगा, पूरे स्टेप फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं ये अचार बना रही हूँ 1 किलो आमी के साथ। तो मैं मार्केट में गई, 1 किलो मैंने ली आमी। आमी जब भी ले एकदम से टाइट हो, हाथ लगा के देखें, दबी हुई आमी ना लें, बिल्कुल कैड़ी पत्थर की तरह जो आमी होती है उसको लें, उसको पानी में धोएं, अच्छे से भिगोएं, और उसको अच्छे से पोंछने के बाद मैंने इसको मार्केट में कटवा लिया है, क्योंकि अचारों में कहीं भी मॉइस्चर की बात नहीं होनी चाहिए। अचार को हमने, आमी को लाए, पहले हमने आमी को पूरे 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही कमरे में पंखे में सुखा दिया, क्योंकि हमने पानी में धोया था, कटवाया था वहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक सुआफ और सूखा कपड़ा लेंगे। अचार की जहाँ बात होती है, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई भी चक्कू यूज़ करें, प्लेट यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, आपको एक कपड़ा हाथ में लेना है, हाथ पोंछ के ड्राई करके फिर यूज़ करना है। अब हम जो आमी कटवा के लाए हैं उसमें से हम कुछ आमियों की गुठलियों को हटा देंगे, जो ईजीली हट जाएंगी, और उनके जो नक्कू वगैरह कटे थे उनको हटा देंगे। एक एक आमी की फाक को हम साफ़ कर लेंगे। गुठली हटानी है, गुठली हटा देंगे, थोड़ी सी गुठली वाला भी रखेंगे, जैसे आपको रखना हो उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। अगर बिना गुठली का अचार बनाना है तो आप घर पे लाके भी कट कर सकते हैं, और थोड़ी सी गुठली चाहिए तो आप मार्केट से कटवा के ला सकते हैं। अब हम एक एक आमी को क्लीन कर लेंगे। आमी छोटी बड़ी साइज़ में थोड़ा कट कर सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद किसी से कटना बहुत आसान हो जाता है। आमी की गुठलियाँ जो थोड़ी हार्ड होती हैं उनको भी आप देख सकते हैं क्या करना है। इस तरीके से मैंने सभी आमियों की एक अच्छे से सफाई कर ली। कुछ पीसेस मैंने छोटे में कर लिए, कुछ पीसेस मैंने बड़े रहने दिए। और एक साफ़ भगोना लेंगे, स्टील का बर्तन यूज़ करें या फिर प्लास्टिक का यूज़ करें या फिर कांच का यूज़ करें, एल्युमिनियम वगैरह का यूज़ ना करें। देखिए आमी को कटवाए हुए मैं रात को, शाम को कटवा के लाई थी, सुबह हो गई है। आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है किस तरीके से हमें करना है। अब हम सुबह इन आमियों में क्या करना है, देखिए हमें लगाना है इसमें नमक। जो भी आमी को हमने सुखाया है, अब हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। 1 किलो आमी में 1 टेबल स्पून के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक। हम डालेंगे 4 टेबल स्पून इसमें नमक, 250 ग्राम में 1 चम्मच नमक, क्योंकि आजकल कोई बहुत ज़्यादा अचार ना बनाना हो तो मैंने क्वांटिटी सिर्फ 1 किलो की बताई है। अब इसको जस्ट आधा कर लेना, आधा किलो बनाना है, ज़्यादा करना है तो डबल कर लेना। और इसमें डालिए मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब हमें साफ सूखे हाथ से, इसको चम्मच से नहीं मिलाना, हाथ से करने का प्रोसेस क्या है, हाथ से जब मसल मसल के इसको करेंगे ना तो आमी अपना पानी छोड़ेगी, नमक आमी में घुसेगा, और इससे क्या होगा, आमी में एक सॉफ्टनेस आएगी, अंदर तक पानी नमक जाएगा और आमी अपना रस छोड़ेगी। और देखिए इसको कम से कम हमें इस स्टेप को 5 मिनट तक करते रहना है आमी को अच्छे से, क्योंकि जब बहुत सारा अचार होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1 किलो में भी 5 मिनट तक तो इसको हाथों से ऐसे मसलना है। और ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने अपनी नानी से सीखा था, और अपनी मम्मी से, नानी से, इन सबसे सीखा हुआ है। और ये अचार मैंने मम्मी से सीखा है अपनी, और मम्मी से एक एक स्टेप पूछ पूछ के मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ मसालेदार अचार बनाऊँगी जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसको हम ढक के रख, एक प्लेट छन्नी से ढक देंगे और ऊपर से एक कपड़ा लगा देंगे, थोड़ी हवा भी जाती रहे इस तरीके से हम, और हर 6 घंटे में इसको हमें मिलाते रहना है। एक साफ़ और सूखी चम्मच ले लेंगे, और देखिए कितना पानी इसमें निकल चुका है 6 घंटे के अंदर में ही। बार बार नहीं ढक, हमें इसको छेड़ना हर 6 घंटे में, और 6 घंटे यानी कितनी देर तक, हमें इसको रखना है 48 घंटे, यानी 2 दिन पूरे पूरे 2 दिन हमें रखना बहुत ज़रूरी है। इससे कम बिल्कुल भी मत रखना, इसमें जितना भी पानी होगा, मॉइस्चर होगा, सब बाहर आ जाएगा। देखिए उछाल उछाल के इस तरीके से आमी को मिक्स कर देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और फिर से इसको ढक देंगे, और ये प्रोसेस हमें 6-6 घंटे में करते रहना है, और पूरे 2 दिन बाद
48 घंटे बाद, इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरे 2 दिन हमें इसको इस तरीके से ढककर रखना है और इसको अच्छे से हिलाएंगे। और देखिए पूरा पानी निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले मैं आमी दिखा देती हूँ। आमी नमक के पानी में कितनी गल चुकी है, नमक का पानी, नमक का पानी बन जाता है, आमी और मिलके नमक में गल चुकी हैं ये आमी हमारी अच्छे से। अब एक कुछ भी छन्नी ले लेंगे स्टील की या फिर कैसी भी, इसको फिर पानी हम सारा निकाल देंगे इस तरीके से, और करीबन 15 मिनट इसी तरीके से रखा रहने देंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरीके से देखिए ग्लास लगा देंगे, किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ करके इस तरीके से हमें पानी बस निकलने के लिए इसको छोड़ देना है, या कोई स्टैंड वाली जाली हो तो उसको इस तरीके से रख देंगे। सारा पानी निकलने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे कुछ भी, और इसमें हर आमी को इस तरीके से अरेंज करेंगे। जो हरे वाला पार्ट है उसको नीचे रखेंगे छिलके वाले पार्ट को, उससे क्या होगा हमारी जब धूप पड़ेगी ना इस पर तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। हमें इसको कैड़ी धूप में सुखाना है, बहुत ज़्यादा वाली धूप में। तो सभी आमियों को हमने अरेंज कर लिया, एक बड़ी ट्रे में आमी हमारी अरेंज हो चुकी है। आप किसी फोल्डिंग पे कपड़ा बिछा के भी ऊपर सुखा लेना। और ये जो हमारा आमी से पानी निकला है ना हल्दी नमक वाला, इसको फेंकना नहीं है, इसको छन्नी ढक के ऊपर से हम कोई भी मरमल का कपड़ा ढक देंगे जिससे कि कोई भी मिट्टी वगैरह ऊपर ना जाए। और हमें सुबह कम से कम सुबह की धूप से लेके शाम तक की धूप तक इसे लगानी है, पूरे दिन की अच्छे से हमें इसको सुखाना है। पूरी धूप लगाने के बाद शाम को 2-3 घंटे पंखे में फैला देना जिससे कि थोड़ी ठंडक मिल जाए इसको, फिर रात को इसका अचार बना लेंगे। और एक हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून साबुत सौंफ, 3 टेबलस्पून डालेंगे हम मेथी दाना। ये 1 किलो के हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट है आम के अचार के मसाले का। 1 टेबलस्पून डालेंगे काली मिर्च, 1 टेबलस्पून काली वाली बड़ी वाली राई, सरसों के दाने होते हैं जो, और पीली सरसों डालेंगे 2 टेबलस्पून, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरा, और 4-5 हम तीखी वाली मिर्चें, 4-5 हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे, 2-3 तेज़पत्ते, 1 बड़ी मोटी वाली इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, और थोड़ी सी हम डालेंगे हींग 1/4 चम्मच के करीब, और 2 चम्मच हम डालेंगे कलौंजी, लेकिन कलौंजी डालेंगे बाद में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हमें नहीं डालनी। गैस को करेंगे ऑन, और ऑन करके इसको हमें इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको खुशबू आने तक भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और बढ़िया सा इसको सुनहरा सा भून लेंगे। इस तरीके से मसाला भूनने से पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ऐसे मसाले भूनते हैं ना, और आम के अचार की ख़राब होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती क्योंकि मसालों में सारा मॉइस्चर हट जाता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है इस तरीके से मसाले भून के डालने से। तो मसालों को हमने सुनहरा सुनहरा बढ़िया सा भून लिया, करीबन 1.5 से 2 मिनट हमें लगे मीडियम फ्लेम पर भूनने में। और ये मसाला भुनने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसी गरम गरम मसाले में थोड़े से हम पाउडर फॉर्म के मसाले मिक्स कर लेंगे जिससे कि उनकी भी नमी निकल जाए। तो हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक, 1/6 चम्मच के हिसाब से, क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं ना। 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तीखी वाला, 1 चम्मच हम छोटी वाली हल्दी पाउडर डाल देंगे, हल्दी भी हम डाल चुके हैं पहले, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे सिट्रिक एसिड जो नींबू का सत होता है, इससे ख़राब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते, प्रिजर्व का काम करता है और हल्का सी खटास भी देता है, आपके आम के अचार को और ज़्यादा खट्टा बनाएगा ये, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं डालना तो। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर और इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये बन गया हमारा आम के अचार का मसाला। अब थोड़ा सा मसाला लेके करीबन 1/4 मसाला लेंगे जिसको कि हम मिक्सी जार में डालेंगे, साफ़ सूखी मिक्सी जार में, और इसको खुर करके हल्का सा इसको पल्स मोड पर चलाएंगे जो कि एकदम से साबुत रहे। मेथी का दाना हमारा 2 हिस्से में हो जाए और सौंफ हमारी मोस्टली साबुत रहे, तो खड़ा खड़ा मसाला रहे। बाकी जो और पार्ट जो मसाले का है उसको हम बारीक सा पीस लेंगे। इससे क्या होगा, ये तो मसाला जो बारीक पिसा है ये हमारे आम पे अच्छे से अंदर कोट हो जाएगा, और जो खड़ा मसाला है वो खड़ा खड़ा दिखेगा जिससे कि आम के अचार का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और 2 चम्मच डाल लेंगे इसमें टेबलस्पून कलौंजी, साबुत कलौंजी डालेंगे,
और ये लीजिए हमारा परफेक्ट आम के अचार का मसाला तैयार हो गया है। ये पूरा 1 किलो के हिसाब से है, आपको कम बनाना है तो आधा कर लेना, ज़्यादा बनाना है तो डबल कर लेना इस मसाले को। और इस मसाले को भर के एयर टाइट जार में रख देना, जब भी आपको कोई अचार बनाना हो तब यूज़ कर लेना, मिर्ची बनानी हो तब यूज़ कर लेना, या कोई अचारी सब्जी बनानी हो तो भी। ये बहुत काम का मसाला है, इस मसाले को हमेशा बना के रखिए। अब देखिए ये जो पानी है ना, जो हमने सुखाया था धूप में, कम हो गया बहुत, इसमें हम डाल देंगे ये हमारे मसाले। सभी मसाले परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बन चुके हैं और इसको मिक्स करेंगे। इस पानी में बहुत कम पानी है, लेकिन ये मसाले गीले से हो जाएंगे और ये हमारे मसाले फूल जाएंगे हल्के से। और इसमें जाएगा बहुत कम तेल, आम के अचार में जैसे तेल डूबता हुआ डालते हैं ना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम बना रहे हैं सूखे आम का मसाले वाला अचार। और 5 टेबल स्पून मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, इस अचार में सरसों का तेल ही डालना है। सरसों के तेल को गर्म करके, ठंडा करके रखती हूँ हमेशा मैं, और उस अचार को तेल को मैंने इसमें डाल दिया। मैं मोस्टली पीली सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, पीली सरसों का तेल है। अब ये सूखी हुई आमी इस मसाले में मिक्स कर देंगे, और आमी मसाले को अच्छे से हमें मिक्स करना है, जो कि एक एक फांक पे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको हाथ से अच्छे से कर लेना, लेकिन इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना, और ये हमारा बढ़िया सा अचार तैयार हो जाएगा करीबन 3 से 4 दिन में। कच्चे कच्चे आम के अचार खाने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन बढ़िया गला हुआ अचार चाहिए तो 10 दिन में ही खाने लायक अचार हो जाएगा। अब आपने देखा कितना आसान है अचार, थोड़ा सा लंबा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब कोई चीज़ हमें साल भर के लिए बनानी हो, इतनी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको मार्केट से अचार लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ढेर सारे आम का अचार बना के रखिए और साल भर इसको इंजॉय कीजिए। कोई भी कांच की बर्नी ले लेना या फिर प्लास्टिक का जार ले लेना, जिसमें आपको रखना हो। इस तरीके से 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल से इसको कोट करेंगे और इसमें हम आम के अचार को रख देंगे। आपको जितना सूखा आम का अचार दिख रहा है ना, बाद में मसाले भी अपना पानी छोड़ेंगे, थोड़ा आम भी अपना पानी छोड़ेगा, जो हमने पानी डाला है वो सब मिक्स होके बहुत ही बढ़िया हमारा आम के अचार का मसाला और आम का अचार तैयार हो जाएगा। इसको हम ढक के रख देंगे 3 दिन के लिए, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 3 दिन बाद मैं आपको दिखाऊँगी अचार हमारा कैसे दिखता है। अब आइए ढक के रख देते हैं और इसको ऐसे हल्का सा ऐसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और देखिए 3 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट हमारा अचार तैयार हुआ है। देखो वाओ, क्या कलर आया है, कितना जबरदस्त कलर आया है। और ये तो 3 दिन बाद है, जब 10 दिन बाद देखोगे और इसको खाओगे ना, इसकी खुशबू इतनी बढ़िया। आम का अचार तो हमारा शुरू से बनता हुआ आ रहा है, नानी दादी के ज़माने से। और इससे हमें सब्जी बनाने का मन ना हो ना, कई बार कहते हैं ना, हम रोटी को अचार से ही बांध के ले जाते हैं, कहीं सफ़र पे जाना हो तो हमें अचार ले जाते हैं, तो बिना तेल का अचार, मतलब कम से कम तेल का अचार इस तरीके से आप ले जाएंगे, आपको खाने में भी लगेगा हम ज़्यादा तेल नहीं खा रहे हैं, और टेस्टी इतना होगा, मेरी गारंटी है, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये सूखा आम का मसाले वाला अचार। तो इस अचार को बनाइए, अपने एक्सपीरियंस मीनू किचन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर कर देना। और जब आपका दिल करे सब्जी ना बनानी हो, परांठा लें और अचार की रखें फांक और इसको तोड़ें, अय है क्या मज़ा आएगा, मसालेदार आम का अचार, ऊपर से वो ठंडा परांठा या गर्म परांठा, कहीं भी ले जाएँ, बस सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको आम का अचार इस तरीके से खाना पसंद होगा। लाइक करना, शेयर करना और वीडियो बनाओ। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के संग, बाय बाय।